इथेरियम 20% से ज्यादा पंप हो गया है, जहां इथेरियम ETF अप्रूवल के चांसेस सिर्फ 25% थे, वो इस न्यूज के बाद बढ़कर 75% हो गया है। लेकिन ऐसा क्या बदल गया कुछ ही घंटों में, और अगर इथेरियम का ETF अप्रूव हो जाता है तो ऐसे कौन से कॉइंस हैं जो कि पंप हो सकते हैं? ये जानने से पहले इस रील को सेव कर लो, कहीं मिस ना कर दो। जहां SEC अभी तक इथेरियम ETF के ऊपर बिल्कुल शांत बैठी थी, वही कल SEC ने 19B4 फॉर्म फाइल करने को बोला है। ये फॉर्म तब फाइल किया जाता है जब एक नया प्रोडक्ट स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होता है और उसके अंदर कुछ रूल चेंज की रिक्वायरमेंट होती है। जब बिटकॉइन का ETF अप्रूव हुआ था तभी भी ये फॉर्म फाइल किया गया था। सो यहाँ पर बेसिकली अभी दो सिनेरियो है, या तो ETF अप्रूव हो सकता है या फिर रिजेक्ट। अगर इथेरियम का ETF अप्रूव हो जाता है तो जिस तरीके से हमें बिटकॉइन के अंदर रैली देखने को मिली थी, जहां पर इन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ने लगभग $13 बिलियन का बिटकॉइन खरीद लिया है, अगर सिर्फ उसका 20-30% भी ये इथेरियम के अंदर इन्वेस्ट कर दे तो इथेरियम अपना ऑल टाइम हाई तो ब्रेक कर ही देगा, और साथ ही इथेरियम इकोसिस्टम के अंदर हमें एक मेजर रैली देखने को मिल सकती है। और अगर ये ETF रिजेक्ट हो जाता है तो जिस तरीके से ग्रेस्केल ने SEC के अगेंस्ट केस फाइल किया था, वैसे ही एसेट मैनेजमेंट कंपनीज भी कर सकती है। आपको क्या लगता है, क्या इथेरियम का ETF अप्रूव होगा या फिर नहीं? कमेंट बिलो एंड फॉलो मी फॉर मोर।